केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 11। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अल्कोहल्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देखे थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जिनका रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है, यानी उसमें सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसकी पावर वन होने की वजह से हम इनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोल रहे होते हैं। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ रिएक्शंस देखे थे, जिनमें से चार पांच रिएक्शंस तो वो थे जिनके अंदर सिंपली ओ एच जो था उसकी जगह एक्स आके सब्सटीट्यूट हो जाता था और ये ओ एच पूरा का पूरा सेपरेट हो जाता था और आपके पास एक कार्बोकेटाइन बनता था इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर। और ये आपका पहला स्टेप जिसमें कार्बोकेटाइन बनता था ये आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप हुआ करता था। एक चीज़ मैंने स्किप कर दी थी लास्ट लेक्चर में, आपको बताना भूल गया था, ये जो आपका फॉस्फोरस 5 कंपाउंड्स के जब आप रिएक्शन करवाते हो ना, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब आप, जिसके अंदर पी ओ सी एल 5 भी प्रोड्यूस हो गया था, पी ओ सी एल 4 पी ओ सी एल 3 गालिब, हाँ, तो इसके अंदर जो आपका कैटलिस्ट यूज एम्प्लॉय होता है डेट इज टी एच ओ 2। एंड यू माइट बी प्रोबेबली आस्किंग व्हाट इज टी एच, सो दिस टी एच इज थोरियम, ऑलराइट, थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाया जाता है। और ये कैटलिस्ट क्या करता है कि ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, ठीक है, इस हैलाइड आयन की। सो आज जो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो मैं मैकेनिज्म आपको बता दूँ सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन होती किस तरीके से हैं। आपके पास सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक ये ओ एच लगा हुआ है, लेट से यहाँ पे कोई एक और कार्बन है और ये पीछे एच लगा हुआ है। इन सब्स्टिट्यूशंस के अंदर ये होता है कि कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो अटैक करता है किस चीज को, एक न्यूक्लियोफाइल को, और न्यूक्लियोफाइलिक कार्बन, कार्बन नहीं, यहाँ पे ये ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, तो इस ऑक्सीजन को आके अटैक करता है बिकॉज इसके पास लोन पेयर्स भी हैं इस ऑक्सीजन के पास, और दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है इसको, या आप यूँ समझ लो कि ये जाके अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल को, क्योंकि हम नेगेटिव टू पॉजिटिव हमेशा एरोज डायरेक्ट करते हैं, तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाता है। और इस तरीके से रिएक्शन होता है कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो रहा होता है उसी लम्हे ये जो हाइड्रोजन है ये साथ से दूर जाना शुरू हो जाता है, ये रिमूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम सेकेंड ऑर्डर बोल रहे हैं क्योंकि ये एक स्टेप के अंदर पूरा रिएक्शन हो जाता है। सेकेंड ऑर्डर होता सेकेंड ऑर्डर है लेकिन ये होता सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और इसका मैकेनिज्म भी कुछ ऐसे ही होता है कि जितना आपका ये इलेक्ट्रोफाइल इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है उतना ही ये हाइड्रोजन उसी लम्हे उतना ही बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा है, ठीक है। और ये आपका आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट जिसके अंदर ये दोनों अटैच हुए हुए होते हैं, यानी लेट से ये आपके पास पीछे वही वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे आपके पास ओ के साथ कुछ पार्ट जो है वो एच जो है वो दूर जा रहा है, कुछ बॉन्ड वो बना हुआ है उसका और कुछ इलेक्ट्रोफाइल ई का बना हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ होता है, ठीक है, और यूं आपका ये फॉलो हो रहा होता है। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है और ये फर्स्ट ऑर्डर एक ही स्टेप का रिएक्शन होता है और इसमें आपके पास सिंपली आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और जो आपके पास ये जो अल्कोहल है दोनों की जो कंसंट्रेशंस हैं ये वे मैटर करती हैं, यानी इसका जो रेट होता है दैट डिपेंड्स ऑन अल्कोहल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हम लोग मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में मैयर करते हैं, ठीक है। तो ये एक समरी हो गई आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की जो कि आपके सिंगल स्टेप के अंदर होते हैं। एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की एक और स्पेशलिटी हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं रिएक्टिविटी वाले टॉपिक के अंदर कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस आर इजियर इन टर्शरी हैलाइड्स, सॉरी टर्शरी कंपाउंड्स, क्योंकि आपका जो टर्शरी ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना दरमियान में दैट इज वेरी स्टेबल, मैं आपको उल्ट बोल गया हूँ, टर्शरी ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, टर्शरी आपके पास इंटरमीडिएट बनता है एंड दैट इज स्टेबल, वो SN1 के केस में होता है, SN2 में नहीं होता। अभी हम चूंकि SN2 पढ़ रहे हैं तो इसमें ईजियर नॉट इन टर्शरी बल्कि इट इज ईजियर इन प्राइमरी अल्कोहल्स या प्राइमरी
कंपाउंड्स प्राइमरी कार्बन के ऊपर जब अटैच होते हैं, बिकॉज अगर तो सेकेंडरी या टर्शरी की आप बात कर रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली इस ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैच होते हैं, ठीक है। और ये वाला ऑक्सीजन क्या होता है कि फर्दर इन कार्बन के, इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, और अगर ये वाला कार्बन जो है वो फर्दर दो तीन मिथाइल ग्रुप्स के साथ अगर अटैच हो ना, तो वो मिथाइल ग्रुप्स क्या करते हैं कि इस ऑक्सीजन के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। और जब वो इसको ब्लॉक कर देते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल को अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस वजह से टर्शरी जो कंपाउंड्स है ना उनके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जबकि सेकेंडरी के अंदर निस्बतन ईजियर और प्राइमरी के अंदर काफ़ी ईजीली आपका ओ और एच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आपके पास सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ठीक है। अब हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं जिसके अंदर सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सबसे पहला जो आज हम तीन रिएक्शंस ओवरऑल डिस्कस करेंगे, सबसे पहला रिएक्शन है विद सोडियम, कि अल्कोहल्स सोडियम से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब अगर इस रिएक्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक सिंपल एक और रिएक्शन पढ़ाता हूँ जिसमें सोडियम जो होता था वाटर के साथ रिएक्ट करता था। अगर आप रिकॉल करो, पानी के अंदर जब सोडियम को डालते हैं तो एक बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होता है, या आप सेकेंड चैप्टर में प्रोबेबली ये बात पढ़ चुके हो, और आपके पास बहुत ही वायलेंट रिएक्शन इस वजह से होता है बिकॉज इसमें आपके पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है जो कि आपके पास कंबस्टिबल गैस है, और इस वजह से वो उस आग लग जाती है हाइड्रोजन को, और आपको बहुत ही पानी के अंदर अगर आप छोटा सा अमाउंट डाल दो ना सोडियम का तो फौरन आपके पास बबल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और वो एक्सप्लोजन आपके पास छोटा सा हो जाता है पानी के अंदर भी, ठीक है। अब H2O जब हम डालते हैं, ये केमिकली रिएक्शन क्या होता है कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, Na प्लस OH नेगेटिव, और साथ में आपके पास एक हाइड्रोजन गैस है जो कि लिबरेट होती है, ठीक है। वो बहुत ही वेरी वायलेंट यानी बहुत ही ज़्यादा डेल्टा एच इस रिएक्शन में साथ हमें मिलता है, वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब आप इमेजिन करो यही रिएक्शन आप दोबारा करवा रहे हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ HOH आप ROH यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब बताओ क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे कहा था NaOH बनना है ना, ठीक है, तो अब NaOH की जगह क्या हो जाएगा, H की लोकेशन पे आपने क्या लगा दी है, R लगा दी है, तो NaOR बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और साथ में हमें हीट मिलेगी। ये एग्जैक्टली वही रिएक्शन है, सिंपली क्या फ़र्क पड़ा है कि आपने एक हाइड्रोजन जो था उसकी जगह आपने R से रिप्लेस कर दिया, एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, और अल्काइल ग्रुप जब सोडियम के साथ यूं रिएक्ट करता है तो आपके पास NaOR स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर आप गौर करो, ये आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, एन ए और ओ आर आपस में बॉन्डेड है, और एन ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ओ आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओ आर जो फंक्शनल ग्रुप है केमिस्ट्री में, ये हम अल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं, अल्कोक्सी, बिकॉज ये अल्केन और ऑक्सी ग्रुप का कम्बिनेशन है तो ये अल्कोक्सी ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और ये आपके पास जो इसके कंपाउंड्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं अल्कोक्साइड्स, अल्कोक्साइड्स, ठीक है। और ये जो आपके पास इन पर्टिकुलर कंपाउंड बोला है बना है, इसको मैं बोलूंगा सोडियम अल्कोक्साइड। अब अगर डिपेंड करता है मैं आर इसमें क्या लेता हूँ, अगर तो मैं आर को यहाँ पे ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम का रिएक्शन ही करवाऊँ मिथाइल अल्कोहल के साथ CH3OH, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम साथ उसके ओ और साथ CH3 अटैच हुआ होगा, सोडियम मेथॉक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगी और साथ में हीट लिबरेट होगी, ठीक है। ये आपका मेथॉक्साइड बन गया। इसी तरीके से आप एथोक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हो, प्रोपोक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हो, या आपके अल्कोक्साइड्स यील्ड करने के लिए ये रिएक्शन हेल्पफुल है, ठीक है। इस रिएक्शन में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप ये देखो कि आपका ओ और साथ आर मेंटेन्ड है, जबकि एच ओ आर इज बेसिकली अल्कोहल ना, एच और ओ के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक हो गया। हमने यही कहा था कि एच और ओ के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज़ आप इस रिएक्शन की ये देखो कि इस रिएक्शन में आपके पास सेकेंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यानी ये सारा प्रोसेस एक ही स्टेप के अंदर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये जो है ये आके अटैक करेगा इस सोडियम को, ठीक है। ये सोडियम जो है ये जब उस लोकेशन पे जाके अटैच हो जाएगा आपके पास, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा,
ठीक है, और आपके पास सिंपली एच टू गैस साथ में प्रोड्यूस करने लग जाएगा वो। तो ये आपका एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है, इसलिए इसको हम सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि एक स्टेप में जो भी रिएक्शंस होते हैं उसमें आपके पास दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यानी इस रिएक्शन के अंदर ना सिर्फ आपके पास अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैटर करेगी, बल्कि सोडियम की कंसेंट्रेशन भी मैटर करेगी। ठीक है, ऑल दो सोडियम यहाँ पे एक प्योर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव नहीं कर रहा, बट इट इज ऑफ कोर्स रिएक्टिंग विद दिस ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दिस सोडियम, सो दिस सोडियम इज काइंड ऑफ बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये होगा कि आपका 1+1, इसका जो रेट ऑफ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आपका दो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा हूँ। और इस रिएक्शन के बारे में एक काम की बात आपको ये बताऊं, आपको पता है कि जब सोडियम को वाटर के अंदर डाला जाता है ना, तो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होता है। अब अक्सर ऐसे होता है लेबोरेटरीज के अंदर कि आपके पास सोडियम होता है एक्सेस में, जिसको हमने वेस्ट करना होता है, प्योर सोडियम या सोडियम का कोई अलॉय टाइप चीज़। तो हम क्या करते हैं कि हम ये नहीं कर देते जाके उसको सिंक में फेंक दें, वो तो जनाब पता चलेगा सिंक में हमने फेंका तो सिंक को आग लग गई, क्योंकि वो क्या होगा कि जब सिंक के अंदर आप फ्लश कर रहे होगे उसको, तो वो उसके साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ, तो बहुत ही वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा। उसके लिए हम ये करते हैं कि सोडियम को इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन वाटर, हम सोडियम को डाल देते हैं अल्कोहल के अंदर। अब सर सोडियम जब अल्कोहल के अंदर जाता है ना, तो ये जो अभी मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाया ये है तो ऑल दो वाटर से मिलता जुलता ही, लेकिन इसमें जो आपके पास डेल्टा एच है ना, ये जो एक्सोथर्मिक नेचर है इसकी, ये कम है, काफ़ी कम है वाटर की निस्बत। सो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है इट इज़ हेल्पफुल इन डिस्पोजिंग ऑफ सोडियम। यानी आप सोडियम से जान छुड़वा सकते हो, अगर आप उसको वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको अल्कोहल में डाल दो, बबल्स प्रोड्यूस होंगे, कुछ ना कुछ बबल्स तो इसकी सरफेस पे भी प्रोड्यूस होंगे, लेकिन इतना वायलेंट रिएक्शन नहीं होगा जितना वाटर के साथ होता है। एक और चीज़ इसी रिएक्शन के बारे में ये कि चूंकि ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो अगर आप किसी टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाने की कोशिश करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पास एक कार्बन है जिसके गिर तीन मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, और इसके अंदर आप जनाब सोडियम डाल देते हो, तो अब आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप बबल्स प्रोड्यूस होंगे या कुछ होगा, अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये है कि ये जो हाइड्रोक्सिल है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन है हाइड्रोक्सिल का, इसको अटैक करने का चांस ही नहीं मिल रहा कि ये जाके सोडियम के इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करे। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज इसके ऊपर इस मिथाइल ने एक कवर बनाया हुआ है और इस ऑक्सीजन को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, और इस ऑक्सीजन को ब्लॉक करने की वजह से इस इफेक्ट को मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट, या स्पेशल 3D होने की वजह से ये इफेक्ट होता है स्टेरिक इफेक्ट, जिसमें ऑक्सीजन ब्लॉक ब्लॉक हो जाता है, उसको जगह ही नहीं मिलती कि वो जाके सोडियम आके किसी लोकेशन पे अटैच हो। ठीक है, तो इस वजह से टर्शरी जो है अल्कोहल्स वो रिएक्ट नहीं करते सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म में, और आपके पास सिंपली प्राइमरी करेंगे, सेकेंडरी थोड़ा सा मुश्किलों से रिएक्ट करते हैं। सो दिस इज इट फॉर रिएक्शन विद सोडियम। आज जो हम दूसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो रिएक्शन है विद ग्रिगनार्ड रीजेंट्स। ग्रिगनार्ड रीजेंट्स, ग्रिगनार्ड रीजेंट्स के साथ जो रिएक्शन है, ग्रिगनार्ड रीजेंट्स का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपके पास मैग्नीशियम होता है एक तरफ को, एक हेलाइड ग्रुप लगा हुआ होता है, और दूसरी तरफ को अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है। अब ग्रिगनार्ड रीजेंट्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये अल्काइल हेलाइड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और इसकी रीज़न ये है कि ग्रिगनार्ड रीजेंट का जो मैग्नीशियम है इट इज़ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इट इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 1.2, वेयर एज दिस कार्बन एटम हैज़ एन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ 2.6। सो दिस पोलर नेचर, यहाँ इस पोलर नेचर की वजह से ये इलेक्ट्रो, ये जो बॉन्ड है ये बिल्कुल ही उस तरफ को शिफ्ट हुआ हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो आर है ये जाके अटैक कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जो इलेक्ट्रॉन्स को चाहता है, वो क्या करेगा कि वो ये आर के ऊपर, चूंकि इसके पास बहुत ही करीब आ गए हैं इस कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गए और ये जाके अटैक कर देता है इलेक्ट्रोफाइल पे। अब ग्रिगनर्ड रीजेंट्स क्यों, किस किस्म के इलेक्ट्रोफाइल्स पसंद हैं, जो सबसे ज़्यादा इनको पसंद है इलेक्ट्रोफाइल्स, वो आपके पास सिंपली H+ है, यानी एक प्रोटॉन है। एंड इफ़ यू कैन रिकॉल, मैंने ग्रिगनार्ड रीजेंट्स के रिएक्शंस में आपको एक पूरा लेक्चर दिया था प्रोटिक रीजेंट्स के ऊपर, प्रोटिक रीजेंट्स जिनके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं,
तो ये जो बेसिकली आपके पास प्रोटिक रीजेंट्स है ना, अल्कोहल्स आपके पास प्रोटिक रीजेंट्स होते हैं। अब मैं अगर इस वाले ग्रिग्नर्ड रीजेंट का रिएक्शन करवा देता हूँ किसी अल्कोहल के साथ, कोई भी अल्कोहल ले लो, R1OH उसको कह दो आप, तो R1OH के अंदर चूंकि दिस ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 3.5 एंड हाइड्रोजन विद 2.1, वेरी पोलर बॉन्ड। अब ये जो R है इंस्टेड, ये किस इलेक्ट्रोफाइल को जाके अटैक करेगा ग्रिग्नर्ड रीजेंट का R, ये जाके इस प्रोटॉन को अटैक करेगा क्योंकि अल्कोहल्स आर ऑलवेज प्रोटिक रीजेंट्स, और उस प्रोटॉन को जब अटैक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड H यानी अल्केन। आप R को जो मर्जी ले लो, आप करस्पॉन्डिंगली एक अल्केन बना सकते हो, और ये रिएक्शन इज हेल्पफुल इन मेकिंग अल्केन्स, ठीक है। और सेकेंडली आप देखो ये जो यहाँ पे मैग्नीशियम था, दिस वॉज लेफ्ट ओवर विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट ओवर विद अ नेगेटिव चार्ज आर ओ बेसिकली। सो आर ओ के साथ आके क्या चीज अटैच हो जाएगी फिर, आर वन ओ ऑफ अल्कोहल, इसके साथ आपके साथ आके अटैच हो जाएगा एम जी एक्स, ठीक है, और ये आपके पास एक दूसरा प्रोडक्ट साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा इसके। यानी एक मैग्नीशियम है जिसके एक तरफ को लगा हुआ है एक्स और दूसरी तरफ को लगा हुआ है अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ये एक स्पेशल किस्म का समझ लो ग्रिग्नर्ड रीजेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, हमने ग्रिग्नर्ड रीजेंट की ऑक्सीडेशन कर दी है, अल्कोक्सी ग्रिग्नर्ड रीजेंट इसको आप बोल दो, अल्कोक्सी ग्रिग्नर्ड रीजेंट, क्योंकि ये भी आप नोट करो ये है एक ग्रिग्नर्ड रीजेंट ही है जिसमें एमजी के एक तरफ को हेलोजन लगा हुआ है और दूसरी तरफ को इंस्टेड ऑफ हेलोजन ऑक्सी हेलोजन सॉरी इंस्टेड ऑफ अल्काइल ऑक्सी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर ग्रिग्नर्ड रीजेंट, अल्कोक्सी ग्रिग्नर्ड रीजेंट, और ये रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है, आपके पास प्रोटिक रीजेंट था और आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाएगा और एक आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इसके इंटरमीडिएट में। थर्ड जो आज हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो है विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स। ये जो रिएक्शन अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस रिएक्शन का एक नाम हम नॉर्मली यूज करते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बुक में मेंशन नहीं होगा, ये पर्टिकुलरली स्टेरिफिकेशन जो है ये मैं आपको जब ये टॉपिक आएगा ना ईस्टर्स का, एस्टर्स का इंटरव्यू, आई वॉज एक्चुअली कन्फ्यूज के वेदर टू कॉल इट एस्टर्स और ईस्टर्स। ये जो वैसे तो पता है ये आजकल एक शुगल बन गया, कोई भी आपको चीज़ ना आती हो ना तो आप बोल दो कि ये जनाब ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको ये वैसे नहीं बता रहा, ये एक्चुअली वाकई यूं है कि जो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि वो ई बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इथेनॉल, ठीक है, या मीथेनॉल, जबकि जो अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर वो लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल या मेथेनॉल, एथ उनकी साउंड होती है, ठीक है। इसी तरह वो लोग बोलते हैं एस्टर्स, एस्टर्स को एस्टर्स ही बोला जाता है, ये तो ब्रिटिशर्स भी इसको ईस्टर्स नहीं बोलते, ठीक है। तो मैं हमेशा से इसको ईस्टर्स बोला करता था, ई वो तो ई ए एस टी ईस्टर्स टाइप चीज हो, दीज आर एस्टर्स। अच्छा, सो एस्टरिफिकेशन से आपके जहन में क्या आ रहा है, हम एस्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एस्टर्स आर व्हाट, आपके पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, उसके राइट साइड पे एक ओ भी लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो पूरा कंपाउंड है इसको हम अब एस्टर बोलते हैं, इसके इस तरफ को और इस तरफ को कोई अल्काइल चेन्स हैं। अब अगर इसी एस्टर के एक तरफ को मैं आर की जगह एच लगा दूं, दूसरी तरफ को एच लगाया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं इस तरफ को एच लगाऊं तो आप नोट करो कि ये क्या बन गया है, एक सी डबल ओ एच यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक डेरिवेटिव है जो कि एस्टर है। सो आज चूंकि हम लोग एस्टर्स बनाने लगे हैं तो एस्टर्स के लिए ऑफ कोर्स आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स चाहिए होते हैं। रिएक्शन बड़ा सिंपल सा है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल आप इथाइल अल्कोहल लो, सी एच 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 सी एच एच, और यहाँ पे ओ एंड एच आपके पास यूं करके लगा हुआ, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, यू नो इट, एंड दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड यू हैव लोन पेयर्स ओवर हियर, एंड इट्स अपना जो शेयर पेयर है वो भी बहुत करीब आया हुआ है सोडियम के, जो है थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दिस सोडियम। और अब अगर इसके अंदर आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड डाल देते हो, फॉर एग्जांपल आप इसमें डाल दो एसिटिक एसिड डाल दो सी एच थ्री सी डबल ओ एच सी एच थ्री सी डबल ओ एच,
इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर आप एक स्पेशल चीज नोट करो, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर आपको क्या चीज नजर आ रही है, इन दोनों कंपाउंड्स में OH ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी OH लगा हुआ है और इधर भी OH लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस OH के साथ आपके पास एक कार्बोनाइल भी है, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि ये आपके पास सिंपल एक अल्कोहल है, ठीक है। और ये इन पर्टिकुलर हमने प्राइमरी इस वजह से लिए हुए हैं बिकॉज SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी ही के लिए वैलिड होता है। अच्छा, अब क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर कि ये जो अगेन वही काम होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये जाके अटैक करेगा किस चीज को, ये जाके अटैक करेगा किसी एक प्रोटॉन को जो कि इसको पसंद है, हमेशा से ऑक्सीजन यहां से ये प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को जाके इसने अटैक किया। और वहां पे भी यही प्रॉब्लम है कि ये जो एच है ये बहुत दूर गया हुआ है इस ऑक्सीजन से, इस वजह से इस एच पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। तो इस ऑक्सीजन ने जाके उस प्रोटॉन को अटैक किया और एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ कि वो वाला एच यहाँ पे आके अटैच हो गया इसके साथ, और फिर आपके पास ये हुआ कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक होके इस फॉर्म में आ गया CH, ठीक है। और साथ में आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर एच पॉजिटिव साइन के साथ, बल्कि नहीं ये हमने गलत कर दी है बात। अच्छा अगर देखो ये जो हमने पर्टिकुलरली गलती की है इसमें क्या गलती हुई है, ये जो मैंने आपको मैकेनिज्म समझाना शुरू कर दिए ये तो आपको फर्स्ट ऑर्डर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये तो आपके पास क्या बन गया, एक कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो गया, और कार्बोकेटाइन्स जो होते हैं वो सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म्स में प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब ये जो ऊपर मैंने बात की थी ना कि ये वाला ऑक्सीजन जाके उस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, यूं नहीं होगा बल्कि इसका उल्ट होगा, ये दूसरा वाला ऑक्सीजन जाके इस हाइड्रोजन को जाके अटैक करेगा, यानी ये वाला जो ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जाके अल्कोहल के प्रोटॉन को जाके अटैक करेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रोडक्ट बनेगा, और ये जब जाके इस प्रोटॉन को अटैक करेगा तो इस प्रोटॉन को साथ से अलग कर देगा, और आपके पास यहां पे आपके पास एक वो प्रोड्यूस होने लग जाएगा, गैप प्रोड्यूस होने लग जाएगा। इस गैप को आके क्या चीज फिल करेगी, इस गैप पे आके ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो यहां से है ये आके यहां पे अटैच होना शुरू हो जाएगा। या चलो मैं इसको एक और तरीके से आपको ये मैकेनिज्म समझाता हूं, इसको हम नीचे से इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास एक तरफ को है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी तरफ को है अल्कोहल, तो होगा ये कि आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो कार्बन है ना, कार्बोनाइल वाला कार्बन, ये आपने याद रखना है। इससे पहले भी हमने जब ग्रिगनर रिएजेंट्स के रिएक्शन देखे थे तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि कार्बोनाइल का जो कार्बन होता है इट इज़ वेरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। सो इसकी बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है, और ये बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होने की वजह से ये किस लोकेशन पे जाके अटैक करेगा, ये जो ये वाला ऑक्सीजन है ये जाके अटैक करेगा इस वाले इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन को, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन है वो इस लोकेशन पे आके अटैच होना शुरू हो जाएगा, और ये वाला एच ओ एच और ये वाला एच साथ से आपस में बॉन्ड बना के एच टू ओ बना लेंगे, और साथ में आपके पास ये पीछे बच जाएगा एच एच, ये मैं अल्कोहल लिख रहा हूँ जो अल्कोहल था, और अल्कोहल में ओ तक वही रहेगा, और आगे आपके पास एक चेन एक्सटेंड हो जाएगी जो यहाँ से कंटिन्यू होगी, फिर आगे उसमें एक कार्बोनाइल है पहले, ठीक है, उसके बाद फिर सी एच एच और फिर आगे एच। तो आप देखो ये जो पूरा हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला पार्ट था, और ये जो पूरा पार्ट है ये आपके पास वो पार्ट है जो अल्कोहल का ये वाला पार्ट था, ठीक है। और इन दोनों पार्ट्स को जब हमने आपस में जोड़ दिया है तो आपके पास एक नया कंपाउंड बन गया है जिसके दरमियान में सी डबल बॉन्ड ओ है और फिर ओ भी लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और दोनों तरफ को कोई ना कोई आर चेन्स है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एस्टर्स, ठीक है। एस्टर्स की खुशबू होती है बहुत अच्छी केमिस्ट्री के अंदर, नॉर्मली जितने भी एस्टर्स हैं ये आपके परफ्यूम्स के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। तो ये एस्टर्स की स्पेशलिटी हो गई। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने तीन किस्म के रिएक्शंस देखे, एक सोडियम का कि सोडियम किस तरीके से अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करता है, वो रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे वाटर के साथ होता है। सेकेंडली हम लोगों ने रिएक्शन देखा है ग्रिगनर्ड रिएजेंट्स के साथ जिसमें आपके पास एक अल्केन प्रोड्यूस होता है और साथ में आपके पास एक अल्कोक्सी ग्रिगनर्ड रिएजेंट टाइप चीज प्रोड्यूस हो जाती है। और थर्डली जो हमने रिएक्शन देखा है वो आपके पास स्टेरिफिकेशन है जिसमें आपके पास एक एस्टर प्रोड्यूस हो जाता है, और काइंड ऑफ आप कुछ समझ लो कि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन था अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। क्योंकि जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डिहाइड्रेशन रिएक्शंस हैं उनमें भी ऑलमोस्ट आप यही चीज देखोगे,
ठीक है, कि एक H2O सेपरेट हो गया और पीछे आपके पास एक एस्टर टाइप चीज प्रोड्यूस हो गई। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखेंगे अल्कोहल्स के, कि अल्कोहल्स किस तरीके से ऑक्सीडाइज होते हैं, कंबस्ट किस तरीके से होते हैं और डिहाइड्रेट किस तरीके से इनको किया जाता है।